25/7/2019 आज बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। कितना बड़ा पेपर है ये, इसमें जो पास हो गया वो हरे में पास हो जाएगा। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ, जो आपके बारे में बुराई कर रहा है उसको भी अपना मित्र बनाओ। कि अच्छा मित्र तो मेरा यही है। प्रश्न है, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है और तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर है, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं, इसीलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं और तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। छोटे बच्चे को भी हम बच्चा नहीं कह सकते। दादी कभी नहीं किसी को बच्चा कहती है। तो तुम्हें ये दृष्टि पक्की करनी है कि ये आत्मा हमारा भाई है। आत्मा आत्मा भाई, भाई की दृष्टि पक्की करनी है। भाई को देखो, भाई से बात करो। देखना यहां पर है, बात भी यहां देखे करनी है। इससे रूहानी प्यार रहेगा और क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे। शरीर देखेंगे तभी तो क्रिमिनलिटी आएगी। देखना ही आत्मा का है तो सिविलाई हो जाएगी। और निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। देखना आत्मा है तो प्रॉब्लम है नहीं। मर ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। शिव माना कल्याणकारी। वो सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अब ये जो आकाशवाणी कहते हैं, आकाशवाणी हुई कहते हैं ना, ये जो कहते हैं आकाश, ये जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख का आकाश तत्व कहाँ, इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। यानी आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई है, अब अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं। जानते कुछ भी नहीं, गायन भी यहाँ करते हैं। सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते, क्योंकि सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती है। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती है। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ रचने से, यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं। कहीं फेमन भी पड़ता है, अकाल भी पड़ जाता है। बल यज्ञ करते हैं परंतु यज्ञ करने से होता कुछ नहीं है। अगर बस साफ साफ कह रहे हैं, यज्ञ तप जप करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये तो ड्रामा है। आफते जो आनी है वो तो आती रहती है। कितने ढेर मनुष्य मरते ही हैं, कितने जानवर आदि मरते ही रहते हैं। अब मनुष्य कितने दुखी होते ही हैं,
क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? और जब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे? इन सब बातों को अभी तुम समझते हो, और क्या जाने। तो बाप खुद बैठ समझाते हैं, मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है, बाबा की गिलानी कब से शुरू हुई? कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, मुख्य गिलानी की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा। इसी से ही गिर पड़े, जितना सर्वव्यापी कहा और गिरावट आई। गायन है ना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती गिलानी किसने की है? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम ही बनते हो। यूं तो गलानी सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर वन तुम हो। सबसे अच्छे भी आप, सबसे बुरे भी आप ही हो, उनमें भी नंबर वन तुम हो। फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नजदीक वाले मित्र हैं कौन? बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं, हमारी निंदा तुम बच्चों ने ही की है, अपकारी भी तुम बच्चे ही बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है, यही तो है विचार सागर मंथन करने की बातें। अब विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है दुनिया में कोई समझ ही ना सके। तो बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। फिर गायन भी है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारते, यानी बात भारत की है। खेल देखो कैसा है, शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक ही, अवतार को भी ठिक्कर भीतर में कह दिया है। बाप उल्हाना देते हैं, आज बाबा कंप्लेंट कर रहे हैं आपकी, उल्हाना दे रहे हैं। गीता पाठी श्लोकों को पढ़ते हैं परंतु कहते हैं हमको पता ही नहीं। तुम ही प्यारे थे प्यारे बच्चे हो। कौन बैठे सारे यहाँ पर? हाँ, प्यारे थे प्यारे बच्चे। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो वो दृष्टि पक्की हो गई है। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं, तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। ये तो जानते हैं, कोई किसी मर्तबे वाला है, कोई क्या पोस्ट वाला है, हैं सब आत्माएं। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम कुछ भी खुशी नहीं होती। ये क्यों? ये सब हमारे बच्चे। किसे गलत कर लिया कोई गमी नहीं इसके लिए, है ना? बहुत से कर लिया तभी खुशी नहीं, क्यों? पता है तो ड्रामा है, रिपीट हो रहा है ड्रामा, तो वही ड्रामा रिपीट हो रहा है। अब कोई ने मेतर का शरीर धारण किया है, फोर्थ क्लास का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है, तो बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। क्योंकि बाबा की नजर में सभी आत्माएं हैं। बाबा देखता ही आत्माओं का शरीर को देखता ही नहीं, बाबा की नजर में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बच्चे, गरीब बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत गिलानी की है। अब फिर मेरे पास आ गए, मेरी गिलानी करके मेरे पास आ गए। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी गिलानी नहीं की जाती। कृष्ण की भी बहुत गिलानी की है, वंडर है ना। वंडर क्या है? कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी गिलानी नहीं है।
ये ज्ञान कितना अटपटा है, कितना मजेदार है ना, कितना मजा है इसमें। ऐसी गुइया बातें कोई समझ थोड़े ही सकते हैं, इसमें चाहिए बुद्धि, क्या चाहिए, सोने का बर्तन। ये वो कैसे आएगी सोने का बर्तन, वो याद की यात्रा से ही बन सकता है। तो यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़ा ही करते हैं, चाहे अमृत वाला कर रहे हैं, अरे बाबा देखा यथार्थ एक्यूरेट याद नहीं करते, ये नहीं समझते कि हम शरीर नहीं है, छोटी आत्मा है। याद भी बुद्धि से करना है, ये बुद्धि में आता ही नहीं है, छोटी सी आत्मा, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, ये बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं, भगवान उवाच है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई, दरकार ही नहीं याद करने की। यहाँ तो इतने दुख आफते आदि आती हैं, याद करते हैं, हे भगवान रहम करो, कृपा करो, अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं, बस बाबा के बच्चे बन के भी लिखते हैं, बाबा को बोलते हैं कि बच्चे कि बाबा कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो, बाबा लिखते हैं, शक्ति आप ही योग बल से लो, कृपा मांगने से, सॉरी मांगने से कुछ नहीं होगा, क्या करो, योग बल और बढ़ाओ। सिर्फ क्या है, ये इशारा क्या है, योग बल की कमी है, फिर भी अच्छा बाबा जी, वो भी योग बल की कमी है, कोई बात नहीं, अब और योग बढ़ाएंगे, देखते हैं अगली बार क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक नहीं जीतेंगे, जीतेंगे तो है, खेल सारा योग बल की कमी का ये इशारा है बाबा का। बाबा लिखते हैं शक्ति आप ही योग बल से लो, यानी अपने ऊपर कृपा रहम आप ही करो, और अपने को आप ही राज तिलक दो। हाँ युक्ति बताता हूँ कैसे दे सकते हो। अब टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं, स्टूडेंट का काम है पढ़ना और डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़ा ही है जो कृपा आशीर्वाद करे, गुरु गुरु करता है कृपा आशीर्वाद, तो टीचर तो काम ही नहीं कोई। जो अच्छे बच्चे होंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे वो ही दौड़ेंगे, दौड़ने का है, दौड़ने का है। मैंने कहा इस दौड़ में, योग में, याद की यात्रा में सब हर एक इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, जितनी दौड़ी लगानी है वो लगाए, क्योंकि याद की यात्रा ही दौड़ी है। इसमें किसी देखने की जरूरत नहीं है, अपना चक्कर लगाओ, अपना चक्कर लगाओ, बिल्कुल विजन बना कर लगाओ, अपना आप ठीक हो जाएगा, इंडिपेंडेंट सारा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मैं खुद डिस्टर्ब होना चाहूँ या तब हो सकता हूँ, ये ना, मुझे कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता जैसे मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और उन्होंने कहा एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है, भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया, भाई भाई समझो फिर भी, क्या देखा बाबा ने, भाई भाई समझो फिर भी, क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, वो अपना काम करती रहती है, और इस समय मनुष्यों के अंग अंग सब क्रिमिनल है, सारे अंग क्रिमिनल है, कैसे, किसी को लात मारी, किसी को गुस्सा मारा, तो क्रिमिनल अंग हुआ ना, अंग अंग क्रिमिनल है, वहां कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा, यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग बाबा पूछ रहे हैं कौन सा है, आंखें, क्योंकि विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते, तो पहले पहले है
आंखें, तभी तो सूरदास ने अपनी आंखें निकाल दी, है ना। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, हाँ शिव बाबा का रथ ब्रह्मा बाबा पढ़ा हुआ है। अब शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है, ये तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता, कोई शास्त्र नहीं उठाता। बाबा कहते मैं तो नॉलेज फुल हूं, क्योंकि मैं बीज रूप हूं, ये सृष्टि रूपी झाड़ है, सृष्टि झाड़ है, मैं इसका बीज हूं। उसका रचयिता, उस झाड़ का रचयिता है बाप, बाप को या बीज को। बाबा समझाते हैं मेरा निवास स्थान मूल वतन में है, अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूं, और कोई कह ना सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं परमपिता परमात्मा हूं, ऐसे कोई कह ही नहीं सकेगा। हाँ सेंसिबल मालूम से कह दिया, कोई सयाना होगा सेंसिबल, कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो, समय भगवान है कि तुम भी भगवान हो, तुम भी ईश्वर हो, क्या तुम अल्लाह साई हो, वो तुम तो हो ही नहीं सकते, बोलो हो ही नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल है ही नहीं, इसमें सेंसिबल है ही नहीं, अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ, है ना। अकबर ने कह दिया अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ, सभी कहने लगे अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ, वो भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी, अर्थ समझे तो कभी नहीं कहें। बच्चे अब जानते हैं कि शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती, शिव बाबा आए नई दुनिया स्थापन कर दी, और नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब कुछ आ जाता है। तो शिव जयंती सो कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती, शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती, स्वर्ग का जन्म हो गया, सब जयंतियां शिव बाबा के आने से आ जाती है, सबके जन्म शिव बाबा के आने से होते हैं। अब ये सब नई बातें बापी बैठ समझाते हैं, क्या असली बात बाबा ने लास्ट बताई कि शिव जयंती सो शिवालय जयंती और वैशालय मरंती, सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो शिव जयंती सो कुमला के क्या बोले, जो पहले बोला था नए विश्व की जयंती, क्योंकि चाहते हैं ना विश्व में शांति हो। तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो जगते ही नहीं, क्यों, क्योंकि अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं, भक्ति मार्ग की बातें इतनी अंदर तक गई हुई है ये ज्ञान अंदर जाता ही नहीं है। तो भक्ति करते करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूं, स्वर्ग और नरक का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, अखबारें जो तुम्हारी गलानी करती हैं उनको लिख देना चाहिए, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, यानी तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दो, ईश्वर की गलानी करते हैं अब हमारी भी की तो क्या हुआ, तो उसको नहीं छोड़ा लोगों ने, हमको भी कुछ बोलते उल्टा सीधा बोलते क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी सदगति हम ही जरूर करें, तुम उल्टा बोलो सदगति तो हमारे द्वारा तुम्हारी होनी है, नहीं तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे, नहीं चाहेंगे आप, एक हमें जरूरत नहीं है सदगति की, नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़कर ले जाएंगे, बाकी डरने की तो बात ही नहीं,
जो कुछ करते हैं, कल पहले भी किया था, जो कुछ किया हमने कल पहले भी सेम ऐसे किया है ना, हम भी के तो सबकी सदगति करेंगे, अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अब अबलाओं पर अत्याचार तो कल पहले भी हुआ था। अबला कौन है? अबला से कहते हैं जो बेचारी सीधी सी है, इनोसेंट सी है, कुछ नहीं पता जाएगा, अत्याचार हो जाएगी आजकल की, आजकल को अत्याचार करके दिखाए, आजकल को अत्याचार नहीं करता किसी पर ना, पहले पहले अत्याचार होते थे। अबलाओं पर अत्याचार तो कल पहले भी हुआ था। ये बच्चे भूल जाते हैं, बाप कहते हैं बेहद के बच्चे सब हमारी गलानी करते हैं, सबसे प्यारे मित्र बाबू सबसे अच्छे बोलते हैं, सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं, क्योंकि बच्चे तो फूल होते हैं, बच्चों को माँ बाप चुम्बन करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं, क्योंकि अभी तुमको ये नॉलेज मिली हुई है जो तुम साथ ले जाते हो, जो नहीं लेते उनका भी रामा में पाठ है। सब तो ज्ञान में नहीं आएंगे, जो ज्ञान में आएंगे उनका पाठ, नहीं आएंगे उनका भी पाठ, वही पाठ बजाएंगे। क्या बजाएंगे? वो हिसाब किताब चुकतू कर घर चले जाते हैं, वो स्वर्ग तो देख ना सके। अब सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे, ये ड्रामा बना हुआ है, क्योंकि पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से, तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे, ये राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते, बाबा को मैसेज भी नहीं देते, गुस्सा आया क्लास में नहीं आया, छोड़ देंगे क्लास करनी, बाबा को बताएंगे जी बाबा ऐसी ऐसी बात हुई है। बाबा भी कहते हैं उनकी मुरली बंद कर दो। पहली बार बाबा ने बोला ऐसे नहीं, नखरे करते जा रही याद बोलते नहीं है, गुस्सा आगे छोड़ गया काम करके, उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या, फिर कोई की आंख खुले तो कहेंगे सॉरी बाबा भूल हो गई, कोई तो परवाह ही नहीं करते, होगी होगी, इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए, इतनी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं बाप को याद भी नहीं करते, अरे गलती होगी होगी, चलो कोई बात नहीं, अब तो खाता बनाओ याद करने का, ठीक हो जाएगा। ऐसे बहुत ढेर हैं बाप को याद भी नहीं करते, कोई को आप समान भी नहीं बनाते, नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम ही लिख देते हैं, फलाने को याद देना, फलाने को याद, पहले चिट्ठी देते ना, फलाने को याद देना, फलाने को याद देना। बाबा ने कहा ये याद सच्ची थोड़ी है, याद तो झूठ चल ना सके, अंदर दिल खाती रहेगी। तो बच्चों को पॉइंट्स तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं, और दिन प्रतिदिन बाबा गुइया गुइया बातें, गहरी गहरी बातें समझाते रहते हैं। गहरी बात किस बारे में बाबा? दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, सत्युग में दुख का नाम नहीं, अभी है रावण राज्य, मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं, फिर राम को भगवान कहते हैं। राम की सीता चोरी हुई, एक राम को भगवान बना दिया, फिर कहते हैं राम की सीता चोरी हुई,
अब बाबा कहते राम तो हुआ सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती? ये सब है अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। इस समय हर एक में पांच विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। तभी तो बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सत्य को, झूठ खंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस गुहिया व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है। कैसे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? याद की रेस करनी है, याद की रेस करनी है। आपस में बैठे हैं, चलो देखते ज्यादातर याद कौन करता लंबा। बीच में कोई बोलेगा नहीं, देखते पहले कौन बोलता है, जो पहले बोलेगा आउट, फेल हो गया वो। ठीक है, ऐसे रेस करनी है। ठीक है, ग्रुप में जब बैठो रेस करो योग की। फालतू बंदे आने बंद कर देंगे, वो पागल है तो बैठे रहते हैं ऐसे ही। जो काम के बंदे हो गए रुक जाएंगे, बाकी तो भाग जाएंगे। कितना अच्छा ज्ञान है। दूसरा है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। यानी अपने को राज तिलक देना है, निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। ये ना, किसी के लिए दुर्भावना होनी नहीं चाहिए, हर एक के लिए शुभ भावना शुभकामना। सबसे बड़ी शुभ भावना क्या है? इसकी भी सदगति हो जाए। वरदान रॉयल और सिंपल। रॉयल्टी भी चाहिए आपने और सिंपलिसिटी भी चाहिए। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। कौन है आजम? ब्रह्मा बाप समान कैसे बनेंगे? जब दोनों का बैलेंस से काम करेंगे। दोनों कौन? रॉयल और सिंपल। तो रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, यानी मीडियोकर फैमिली से थे, मीडियोकर रहे वो। ब्राह्मणों का आदि से, शुरू से अब तक का नियम है, न बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए, मीडियोकर चाहिए सब कुछ। अभी साधन बहुत हैं, फैसिलिटी कितनी है, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। बहुत हाई फैमिली महल ना बनाओ, झोपड़ी में ना बनाओ, सिंपल सा अच्छा सा मकान बनाओ। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो राजा ही ठाठ ही हो गया, बाबा के बच्चे तो बढ़िया आज करते हैं, हाई फाई सूट 10,000 सूट ना, बड़े बड़े पहनो वो भी नहीं पहना, बिल्कुल गरीबी वाले फटे पहनो वो भी ना पहनो, नॉर्मल लगे बाबा के। जितना सिंपल उतना रॉयल लगेगा, भी रॉयल खानदान के भी हैं, रहते सिंपल है। एक्चुअली जो रॉयल खानदान को मुझे सिंपल रहेगा,
जिसने नया नया पैसे देखा होगा ना वही फैशन ज़्यादा करेगा, है ना, वही फैशन करेगा, सब कुछ वही करेगा जिसने नया नया पैसा देखा, नया नया दुनिया देखी है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन, दूसरों को देखने की बजाय स्वयं को देखो और याद रखो जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। क्या मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब ये करेंगे। अटेंशन अपने ऊपर रखना है, सारा खेल ही अटेंशन और अभ्यास का है। ओम शांति।